अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स ही की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैं आपको बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा है, मैंने लिख दिया। हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन एक्चुअली शॉर्ट लिखा है। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग। हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करनी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन ड्रॉ करते कैसे हैं, वही नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है और हम लोगों ने मार्क करनी है ये जो वैल्यूज़ हमें जहाँ तक दी गई हैं, ठीक है। पहली बात, हम ज़रा लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिससे चैप्टर का नाम इंटीजर्स, मतलब हम लोगों ने इंटीजर्स मतलब नंबर जो होते हैं, तो इंटीजर्स में दोनों तरह के नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इट्स मीन ये पॉजिटिव, ये भी इंटीजर है, माइनस ये तो है इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे होल हैं, वो या पॉजिटिव है सिंपली, वो किस में आती हैं, इंटीजर्स में आती हैं। अब आता है नंबर लाइन जब ड्रॉ करें। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 कि हमारे हमेशा लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू होती है और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और मिड में हमेशा ज़ीरो होता है, बिकॉज ज़ीरो जो कि होल नंबर की कैटेगरी में आता है, नेचुरल नंबर नहीं है वो, तो ज़ीरो वो नंबर है जिस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ना तो पॉजिटिव साइन होता है जिसके साथ, और ना ही नेगेटिव साइन होता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्केल से ड्रॉ कर लें। आई हैव नो स्केल, एक्चुअली इतना बड़ा स्केल नहीं है मेरे पास। हमने लाइन ड्रॉ की, अब आपने देखना है एक्चुअली, ये तो मैंने बोल दिया ना कि मिड सेंटर में हमेशा ज़ीरो हो, वो तो मस्ट है, लेकिन अगर आप सम टाइम जैसे ये इसमें जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं ये ज़ीरो में नहीं है, इसमें ज़ीरो में इन्वॉल्व है, अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरो के बगैर भी वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं ज़ीरो के साथ, यहाँ तो ज़ीरो से आगे भी वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज जो चीज़ लाजिम नहीं है कि आपने ज़ीरो या गिवन जितनी वैल्यूज़ है सिर्फ वही नंबर लाइन पे शो करनी है, आप लोगों ने इससे एक्स्ट्रा भी वैल्यू शो कर सकते हैं, ताकि पता चले कि इतनी वैल्यूज़ में से ये सिलेक्ट की है हमने। अब ये नहीं कि 5 वैल्यूज़ दी हैं, 5 ही लिख दें भाई ये सिलेक्ट है, एक्स्ट्रा भी लिखें ताकि पता चले कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ में से हमने ये सिलेक्ट किए हैं। अब देखिए, हमने ज़ीरो से स्टार्ट, ये 0 to 5 पॉजिटिव 5 सॉरी क्वेश्चन मैंने नेगेटिव है, यहाँ -5 to 0 मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना है, नेगेटिव तक जाना है। तो हम क्या करते हैं, एज़ वी नो कि मिड, अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो इन्वॉल्व, ठीक है, हमने ज़ीरो तो लिखना ही लिखना है। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से लिखा ज़ीरो, हमने जो राइट साइड है उसकी वैल्यूज थोड़ी कम लिखनी है। रीज़न ये कि हम पहले तो मैंने लिखा था ना सब लास्ट टाइम, फॉर एग्जांपल 5 to 5, अब हम अगर 5 to 5 भी लिख दें, यानी 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो ये चीज़ गलत नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है कि लाइन पे जो नंबर लाइन पे वैल्यूज़ दी जाती है, अगर हम 5 to 5 या बराबर पे, यहाँ पे भी 5 लिखे, यहाँ पे भी 5 लिखे, यहाँ पे भी 10 लिखे, यहाँ पे भी 10, इस रूल पे अगर चल पड़े, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो दिए गए वैल्यूज़ है उसमें आती ही नहीं हो जाता है, आती ही नहीं, या फिर उस वो एक दो होती है, बाकी एक्स्ट्रा में इतनी ज़्यादा लाइन होती है कि वो गंदी लगती है। मतलब जितना हम ज़्यादा सारी लाइन्स पे वर्ड लिखेंगे वो गंदे लगेंगे, जितने कम लिखेंगे एक्यूरेट लिखेंगे अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें पता है कि लेफ्ट पे नेगेटिव साइन होते हैं, राइट पे पॉजिटिव साइन होते हैं, अगर चाहें तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव साइन ज़ीरो से आगे काउंटिंग जब भी स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, ठीक हो गया। अब जब लेफ्ट पे करनी है तो इसी वैल्यू को लिखना है जस्ट माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा सारी वैल्यूज मतलब नेगेटिव साइड पे लेके आ रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे इस एरो का मतलब एक नंबर लाइन इधर से भी चलती जा रही है, इधर से भी चलती जा रही है, बट हमने सिलेक्टिव एरिया तक लिखी है। अब मैंने यहाँ से भी देखिए 0 to 5, इस ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू सिर्फ टेबल की हैं, बाकी एक्स्ट्रा लिखी हैं, एक दो आप एक्स्ट्रा भी लिखिए पता चले कि इनमें से आपने सेलेक्ट किया। अब हमारे पास हमने जो हाईलाइट करनी है, एक्चुअली मार्क का मतलब उसको मार्क करना, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको सर्कल करें, आप पे डिपेंड करता है, आप ब्लॉक बनाएं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या क्लास में क्या करते हैं, हम कलर लेके सिंपली कलर नोट कलर मार्कर पेंसिल कलर लेके जो नंबर लाइन पे डिजिट शो करने हैं उनको ब्लॉक में कलर कर लेते हैं। मैं अभी ये रेड पेन से करूँगी, यानी 0 to 5 -5, तो आप इसको
ऐसे सिर्फ नंबर के ऊपर, सारे के ऊपर नहीं, सिर्फ नंबर नंबर्स के ऊपर ऐसे ब्लॉक किया। आप कोई कलर लेके इसके अंदर कलर की फिलिंग कर सकते हैं, अच्छा लगे ताकि, ठीक। जो नंबर्स मुझे कहे गए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया, ताकि मुझे नजर पता चल जाए कि नंबर लाइन पे हमने ये नंबर शो करने थे। क्लियर? पॉजिटिव राइट पे, नेगेटिव लेफ्ट पे। अब आ जाता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैं सेकंड क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे हमें चाहिए प्लस वन टू माइनस फोर, प्लस वन ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर ऑलरेडी है, ठीक। हमने क्या किया, हमें ये चीज़ें शो करनी थी। मैंने यहाँ से, चलिए मैं सारे रेज करती ताकि आपको ना, जब नंबर लाइन शो करनी है होगा तो यही शो, तो हमने सबको ऐसे ही करना है। नंबर्स भी यही हैं आपकी बुक में, 0 to 5 कभी पॉजिटिव आते हैं कभी नेगेटिव आते हैं, घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, 5-5 तक तो नंबर आपके। ओके जी, क्वेश्चन में पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 4 तक, तो पॉजिटिव 1, बीच में 0 भी आता है, ये नहीं कि 0 हाईलाइट ही नहीं करना। अब इनको आप कलर्ड कर सकते हैं किसी भी कलर से, ठीक। कोई भी वैल्यू जो दी जाए सिर्फ उसको हाईलाइट करना है, ये नहीं कि जी ये भी कर दें वो भी कर दें, लास्ट में था उसमें था जो सिलेक्टिव। ये पार्ट 2 था, 2 में पॉजिटिव 1 से लेकर नेगेटिव 4 तक थे, हमने कर दिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को अगर करूँ, ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज 0 to +5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नंबर लाइन 0 से +5। अब जब 0 से +5 मतलब 0 से ज़्यादा नंबर चल रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, आपने नेगेटिव साइड पे एक या दो नंबर लेने हैं। 0 स्टार्ट किया, पहले मैंने 0 यहाँ से स्टार्ट किया था और 0 के बाद दो डिजिट लिखे थे। अब मैं 0 से पहले दो डिजिट लिखूँगी, -1 -2, 1 2 3 4 5 6। आप लोगों ने जब बनाने हैं तो आपने गैप एक सीक्वेंस से देने हैं। आप लोगों ने अपने स्केल पे जो सेंटीमीटर या उसके इंचेस होते हैं, इंचेस तो बहुत छोटे होंगे, सेंटीमीटर्स के लाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग करने के, इतने ज़्यादा नंबर तो है नहीं, उसके हिसाब से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। हाईलाइट क्या करना है मुझे, 0 to 5, तो दिस इज़ द 0, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 3 4 एंड +5। इन्हें आप हाईलाइट करना, कलर करना चाहें कलर कर लें। पहले में ये 0 यहाँ था और नंबरिंग -1 -2 -4 -3 4 5 तक। अब यही वही नंबर है, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हैं, तो उनकी जो सर्कलिंग या कलरिंग हमने की है वो राइट साइड वाले डिजिट में की है। ये थे हमारे नंबर लाइन पर नंबर्स शो करने का तरीका। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं रेज कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विच इज ग्रेटेस्ट। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इतना ही लिखी, मैं जिसमें हाइलाइटिंग दे रही हूँ कि -1 0 1, और अच्छा जी इनमें हमने बताना है कि ग्रेटर कौन सा है, विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर किसे कहते हैं, बड़े को, ठीक। आपको नॉर्मली काउंटिंग में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें, एक तरफ हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, एक तरफ है -100। अब ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो दोनों सेम ही, ठीक है। अब 100 में पॉजिटिव 100 के हैं या नेगेटिव 100 के हैं, फ़र्क क्या आता है उसमें। पॉजिटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है नहीं है, ठीक है। अगर आपने डेली लाइफ में इसका समझें तो ये कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ मेरे पास हैं, और -100 का मतलब या तो मैंने किसी को देने हैं या मैंने किसी से उधार लिया हुआ, मेरे पास है मतलब मेरे अपने नहीं है। नेगेटिव का मतलब यही समझें कि वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव 100 बड़ा है कि नेगेटिव 100,
पॉजिटिव 100 का मतलब वो मेरे अपने हैं, मैं चाहूँ यूज़ कर लूँ। नेगेटिव 100 का मतलब या तो वो किसी के हैं या मैंने किसी को से उधार लिया, उसको मैंने वापस देने हैं, मीन्स कि मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है, एक चीज़। दूसरा, जब नंबर लाइन पे शो करते हैं ना किसी भी चीज़ को, 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो एक्चुअली हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूं माइनस 3 बड़ा है कि माइनस 1, तो काउंटिंग के लिहाज से अगर हम देखे जाएं तो 3 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो हम वो देखते हैं, नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअली उतनी छोटी होती है। नॉर्मली देखा जाए तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है, 2 बड़ा है 0 छोटा है। बट यहाँ पे अगर नेगेटिव से फॉलो करें हम उसको चेक करें तो माइनस 3 माइनस 1 से छोटा है, इवन माइनस 3 छोटा है 0 से, मतलब 0 माइनस 3 से बड़ा है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएँ, इसी के अकॉर्डिंग जो है कि हमसे जिसने पूछा है कि विच इज ग्रेटर, कि इन दोनों में ग्रेटर क्या है, तो देखिए माइनस 101 यानी 101 और माइनस 111 111। अब सिंपली देखिए, नॉर्मली देखा जाए माइनस हटा दें ये और ये है 110, ये है 111। नॉर्मली ये बड़ा है और ये छोटा है, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, दोनों एक जैसे हो गए, ग्रेटर है ये स्मॉलर है। बट जब नेगेटिव आ जाता है तो ये ग्रेटर और ये चीज़ स्मॉलर उलट जाती है। इसी तरीके से जब ऊपर वाले क्वेश्चन को जब करेंगे जो कि नेगेटिव पॉजिटिव में है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 101 जो छोटा है वो है। सो इसको हम लिख सकते हैं, सो सॉल्व माइनस 101 इज ग्रेटर देन माइनस 1 1, ठीक हो गया, ये इसका जस्ट आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के विच इज़ स्मॉलर, मैं इसकी हेडिंग लिख रही हूँ 999 और माइनस 199, ठीक है। अगर नॉर्मली देखें तो 199 और 99 पॉजिटिव से, तो स्मॉलर कौन सा है, ये दिस इज़ द स्मॉलर नंबर और ये क्या है, ग्रेटर नंबर, ठीक। लेकिन जब नेगेटिव आ जाए तो ये क्या हो गया, ग्रेटर, ये क्या हो गया, स्मॉलर। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, माइनस 1 1, जो जब सबसे बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअली नेगेटिव में वो उतनी छोटी वैल्यू होती है। सो माइनस 199 इज स्मॉलर देन माइनस 99, ठीक हो गया। ये तो ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बस आपको इंटीजर्स बताने, टीचर्स मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसको मैं पहले रेस कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन, मतलब के जो दिया गया डाटा होगा, जो दिए गए वैल्यू होगी, हमने लेट्स सपोज के 1 क्वेश्चन है, डेट इज 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। इंटीजर्स में जिसमें नेगेटिव, इसमें तो देखें यहाँ पे भी कुछ साइन है, यहाँ पे भी कुछ साइन है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इनके बीच की वैल्यूज लिखें। अब देखिए 2 अगर हम नंबर लाइन शो करेंगे तो पे करें, समझ तो आ जाती है, ठीक है, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। 2 3 4 5 6, ये एन एक्चुअली नंबर, तो इनके बीच के नंबर्स क्या हो गए, मिड का मतलब, बिटवीन का मतलब है मिड के नंबर, इसके और इसके बीच के। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, इसके नंबर लिखो 2 3 4 5 6, इनके बीच में ये नंबर आते हैं ना, बिटवीन का मतलब है हमने सिर्फ इनके बीच के नंबर लिखने हैं, ये नंबर नहीं लिखने,
ठीक है, सिर्फ बीच के नंबर वो 3, 4, 5। अगर आप प्लस लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस के साइन अगर आप नहीं भी किसी जगह पे लगाते ना, मतलब इंटीजर्स में कहीं यूज़ करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट नेगेटिव साइन मस्ट आपने लगाने होते हैं। ठीक, ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, उसमें नेगेटिव भी इन्वॉल्व है, पॉजिटिव भी इन्वॉल्व है। वो है -2 and 3। ओके, अब देखिए इसे नंबर लाइन पे अगर हम शो करें, माइनस से स्टार्ट है, -2 से आए काउंटिंग करें, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब -2 और -3 इसके बीच